जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो आज फ्लू के बारे में चल रहा है, सबसे पहले मैं आपको फ्लू के बारे में बताऊंगा। फ्लू क्या है? ये एक वायरल डिजीज़ है और ये बहुत तेज़ी से एक दूसरे को लगता है। इसके लक्षण मेन मेन होते हैं कि तेज़ बुखार आना, सर में दर्द, गले में दर्द, आँखों में पानी आना, रेड हो जाना। इसलिए इसके जो 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 इसे सफ़र करता है वो मास्क का यूज करे, और जो उसके आसपास रहते हैं वो भी इतना ध्यान दें कि रोगी से संबंधित कोई चीज़, टॉवल है, हैंकी है या और कोई चीज़ है, उसका प्रयोग ना करें। इसमें बिल्कुल किसी को पैनिक होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका पूरा इलाज है। एहतियात यही बरतनी है कि रोगी स्वयं भी थोड़ा एहतियात बरते कि कपड़ा ज़रूर रखे मुँह पर, और आसपास का भी उसका यूज ना करें। दूसरे नंबर पे हमने एक कंट्रोल सेल, फ्लू कंट्रोल सेल स्थापित अपने यहाँ कर रखी है, जिसमें ये क्लियर है कि 24 घंटे किसी भी समय अगर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ हमारे पास आएगा तो उसे 5 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। दवाई हमारे पास बहुत है, कोई कमी नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर उसके कॉन्टैक्ट्स जितने होंगे उनकी जाँच जिला अस्पताल में कराई जाएगी, वो भी मुफ्त होगी, और अगर उनमें भी किसी को इस तरह का रोग की पुष्टि होती है उसे भी दवाई मुफ्त दी जाएगी। तीसरे नंबर पे प्रचार प्रसार में 2 मोबाइल वैन्स लगा दी गई हैं। हमारे पास पंपलेट, पोस्टर्स और जो हूटर या जो हमारे पास सीडी है वो बजती रहेगी, और उससे जनता में पूरा उसके बारे में शॉर्ट में बताया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी, अगर किसी को कोई किसी तरह की जानकारी चाहिए तो अपने आसपास सरकारी अस्पताल में वो पहुंच सकता है, जानकारी ले सकता है। फिर से मेरी अपील है कि कृपया कोई भी किसी तरह की भ्रामक स्थिति में ना आए और बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।